अस्सलाम वालेकुम जी। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताने लगा हूँ। V8 सेटेलाइट फाइंडर इसके ऊपर क्या है कि मैं अभी तो ये सेटिंग में हूँ, मैं यहाँ से एग्ज़िट करता हूँ। ये आप देखें, ये इसका मेन्यू है। मेन्यू के अंदर क्या क्या है जी, चैनल लिस्ट है, सेटेलाइट इंस्टॉलेशन है, सिस्टम और टूल्स है। मैंने यहाँ पर सेटेलाइट्स बनाई हैं। इस सेटेलाइट इंस्टॉलेशन पर आना आपने, यहाँ पर इसको ओके करना। ये देखें, ये आपके लेफ़्ट साइड पे सारी सेटेलाइट्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो सेटेलाइट बनाई है 91 मियासेट, ठीक है। ये आप देखें नीचे, सिग्नल इंस्टेंटिटी जो 93% है और सिग्नल क्वालिटी जो 85% है, और इसका बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये 2 फीट की डिश है मेरे पास, ये वाली। ये मैंने लोकल से एक डिश रखी है सिर्फ तजर्बे के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी। ये LNB लगी है इसके आगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जब डिश को मैं मूव करूँगा, आप देखना कि सिग्नल यहाँ से आउट कैसे होते हैं। ये देखें, ये सारे सिग्नल हो गए 0%। अब आप देखेंगे इसके ऊपर जो बटन है ना, पावर 22K, 13 वोल्ट, 18 वोल्ट, चौथे नंबर पे लॉक और फिर चार्ज। अब जैसे ही सैटेलाइट हम पकड़ते हैं तो क्या होता है कि लॉक की ब्लू लाइट फ़ौरन ब्लिंक होगी। अब नोट कीजिएगा ज़रा, ये देखें मैं सैटेलाइट ढूंढने लगा हूँ। ये जी मैंने इसको घुमाया, ये देखें इसने कितने परसेंट सिग्नल उठाया, 75 और 66। और अब देखें लॉक की नीली ब्लू लाइट ऑन हो गई। सिग्नल थोड़े वीक हैं, 68 है, इसको मैं थोड़ा फाइन करूँगा। ये आप देखें 80, ठीक है जी, 83%, इससे ऊपर नहीं अब जाएंगे, 83-85 पे ही मैक्सिमम होते हैं। बेसिकली 60 to 65 सिग्नल होने चाहिए किसी अच्छी सेटेलाइट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है जी। एक ये मेरी डिश आप देख लें, ये है सर 95 और 93, ठीक है जी। इसके साथ 100 HD, ये जो है ये सर मैंने लगाई हुई है 91 मियासेट। ये जो है ये 66 डिग्री है, ठीक है। एक और डिश है वो आपको दिखाते हैं जी, ये देखें जी, एक ये डिश है, ठीक है जी। ये 6 फीट की इंपोर्टेड डिश हैं। ये जो है पाक सेट लगी है, इससे नीचे आप इधर आ जाएं, ये 42 डिग्री तुर्क सेट लगी है, ये 52 डिग्री यह सेट लगी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर करके इधर 26 डिग्री भी लग सकती है, इससे नीचे 43 लग सकती है, 53 एक्सप्रेस लग सकती है, ठीक है। आपका ये अफगान सेट यहाँ पे करके कवर हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पे मैं फिंगर का निशान दे रहा हूँ, ठीक हो गया बॉस। तो अगर आप आ जाएँ इस साइज़ पे, ये 66 लगी हुई है जिसके ऊपर मेरा जो है Sony HD का पूरा पैकेज है, ठीक है। इसके साथ ही मैं 68 भी लगा सकता हूँ, एपस्टार 76 भी लगा सकता हूँ, और इसके नीचे ABS 75 डिग्री भी मेरा सेट हो सकता है बड़ा इजीली। ये एक छोटा सा सेटअप आप लोगों को समझाने के लिए था, मेन मकसद है मेरा सैटेलाइट फाइंडर समझाना आपको, ठीक है जी। ये सैटेलाइट फाइंडर की तरफ दोबारा आ जाते हैं। इस सैटेलाइट फाइंडर के अंदर क्या है जी कि आपको बैटरी बैकअप जो है, ये आप देखें ऊपर बैटरी का साइन बना रहा, फुल बैटरी है, कम से कम 3 घंटे का आपको बैकअप देगी, ठीक है। 3 घंटे आप इसको फुल कर लें, इसमें आप सैटेलाइट डाल सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी TP डाल सकते हैं, ठीक है भजन। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट स्विच की भी ऑप्शन है, LNB पावर ऑटो ऑन ऑफ है, और एवरीथिंग है। मीन्स कि आपको केबल शेबल लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का DVR रखने की ज़रूरत नहीं, DVD रखने की ज़रूरत नहीं, फाइंडर जो है इलेक्ट्रिक रखने की ज़रूरत नहीं। आपके घर में लाइट हो ना हो, आप जनाब इस सैटेलाइट को ऊपर लें, अपनी सैटेलाइट फिट करें, लॉक करें, डायरेक्ट स्विच में फिट करें, अल्लाह खैर सल्ला। ये एक छोटा सा रिव्यू था V8 सैटेलाइट फाइंडर जनाब, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये सारे इसकी ऑप्शन है, हम थोड़ा नज़दीक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख, ये लोकेशन है सारी, ठीक है जी। उम्मीद है आपको एक छोटी सी वीडियो है इंट्रो की पसंद आई होगी। आप सब अपना ख्याल रखें दोस्तों का, और हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।